नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, शिवरात्रि आ चुकी है और हम सब हीलर्स के लिए ये बहुत ही शक्तिशाली दिन है। ये रात बहुत शक्तिशाली होती है। इसे हिंदू धर्म से ना जोड़ करके फिलहाल हम हीलर्स इसे अलग तरीके से समझते हैं। आप समझिए, शिवरात्रि की जो रात्रि है, इसमें चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा और बाकी सारे प्लैनेट्स, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सारे प्लैनेट्स की दशा इतनी सही बैठती है हर साल इसी दिन में। अब किसी पर्टिकुलर डेट पे ये शिवरात्रि नहीं पड़ती, ये इस मास में इस दिन के आसपास ही शिवरात्रि पड़ती है। तो इन ग्रहों की दशा, स्पेशली चंद्रमा और सूर्य, तो सूर्य और चंद्रमा हम सबके लिए, बायोलॉजी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। तो ये जो प्लैनेट हैं, शिवरात्रि के दिन सबसे ज़्यादा शक्ति दे रहे होते हैं अर्थ को, यहाँ के समुद्र को। ज्वार भाटा इस समय बहुत अच्छे मैनर में आते हैं, जिसे हाई टाइड कहते हैं, समुद्र में जो उफान आती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलो, आपने जो समझ लिया, अब हम हीलर्स को क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिवरात्रि में पूरे रात जागिए, भले एक दिन पहले सो लीजिए, भले अगले दिन सो लीजिए, पूरी रात जागरण कीजिए। हिंदू धर्म में भजन कीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, मेले के माध्यम से लोग रात भर जागा करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करके भगवान शिव को जल चढ़ाया करते हैं। आज भी आप नेटिव प्लेसेस में जाएंगे तो आज भी, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ राजिम कुंभ बोल के होता है, वहाँ भगवान शिव का बहुत बड़ा मेला लगता है, राजिम कुंभ का मेला लगता है। खैर, ये तो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दिन पूरी रात जागे सारे हीलर्स, मैं नॉट ओनली फॉर हीलर्स, आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ, जो भी ध्यान साधना, समाधि, धारणा की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं, उन सभी के लिए है ये चीज़ कि आप जागे और भगवान को किसी भी रूप में याद करें और अपनी हीलिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी क्रिस्टल्स पहनते हैं, चाहे वो हेमेटाइट हो, पैराइट हो, रोज क्वार्ट्ज़ हो, क्लियर क्वार्ट्ज़ हो, चाहे कोई भी, सारे क्रिस्टल्स को उस दिन धारण ज़रूर करना, पहने ज़रूर रहना। स्पेशली जो लोग रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनके पास रुद्राक्ष की माला है या रुद्राक्ष ऐसे किसी भी फॉर्म में रुद्राक्ष है, स्पेशली रुद्राक्ष आपके पास चाहे माला हो, चाहे ऐसे हाथ में आपके एक मुख्य रुद्राक्ष हो, बहुमुखी रुद्राक्ष हो, चाहे कैसा भी रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष को धारण ज़रूर किया है ना। और जो लोग नए रुद्राक्ष अपने पास ला रहे हैं और रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो शिवरात्रि के ही दिन कुछ घंटे घी में, कुछ घंटे कच्चे दूध में और कुछ घंटे गंगा जल में डुबा के रखिए। तीन तीन घंटे का समय ले लीजिए, छः छः घंटे का समय लीजिए, तीन घंटे मिनिमम रखना, तीन घंटे घी में, तीन घंटे कच्चे दूध में और तीन घंटे गंगा जल में। गौमूत्र का भी अगर आपको मिल सके तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, तीन घंटे गौमूत्र में रख करके आखिर में गंगा जल में रखिएगा। तो इस कुछ तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं, सुख समृद्धि और शांति, आध्यात्म। शिवरात्रि में सुख समृद्धि तो खैर अपनी जगह है, वो तो हमने दिवाली में ले ही आया था, शिवरात्रि में हम अपने जीवन में आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के आते हैं। और बींग अ हीलर, हम सभी को आध्यात्मिक बल की, आध्यात्मिक शक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने सिंबल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अपने सिंबल्स को बनाइएगा ज़रूर इस रात्रि में, क्योंकि पूरी रात है आपके पास, है ना। और गलती से भी नेगेटिव टॉक्स नहीं करेंगे, जागना ही है बोल के बात करते करते बातें बहस में नेगेटिव टॉक्स में एक दूसरे को दोषारोपण में आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। हो सके तो कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए और कैसे भी करके
एक पॉजिटिव मैनर में इस रात का जागरण कीजिए और चंद्रमा की रोशनी में छत में या बाहर निकलिए, हो सके तो किसी मेले वगैरह में आसपास अगर कुछ उपलब्ध होगा तो चले जाना, मंदिर वगैरह चले जाइए। और भगवान शिव को अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, इससे बिलोंग करते, भगवान शिव की तरफ आपकी श्रद्धा है जैसे कि मेरी तो है, मैं तो ज़रूर जाने वाला हूँ, तो जाइएगा भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा, उन पर बिलपत्र चढ़ाइएगा और उस बिलपत्र को अपने पास रख लीजिएगा। बिलपत्र का भी अपना एक विज्ञान है कि बिलपत्र एक ऐसी वनस्पति है, इकलौती ऐसी वनस्पति है जो सबसे ज़्यादा करीब है शिवलिंग की ऊर्जा से। शिवलिंग से जो ऊर्जा निकल रही होती है उसकी ऊर्जा के सबसे करीब है, तो उस बेलपत्र को अगर हम शिवलिंग पर रख देते हैं तो बेलपत्र शिवलिंग की ऊर्जा को अपने में सोख लेता है। तो उस सोखे हुए बेलपत्र को अगर हम अपने पास रखते हैं तो शिवलिंग की वह ऊर्जा हमारे पास बहुत लंबे समय तक रहती है और हमारी रक्षा करती है और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देती रहती है। तो बहुत सारे ज्ञान की बात तो आज हो गई, बहुत कम समय है, शिवरात्रि चालू हो चुका है। शिवरात्रि का समय कुछ ऐसा होगा कि 8 मार्च शुक्रवार को करीब 10 बजे रात से शुरू हो जाएगा शिवरात्रि का काल और अगले दिन 9 मार्च को तकरीबन 9 बजे रात तक चलता रहेगा। तो आपके पास शुक्रवार की रात पूरी है शिवरात्रि के सेशन को करने के लिए। आशा करता हूँ आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।